नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करो पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल, जो आपकी बुक है इंग्लिश की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका जो चैप्टर नेक्स्ट है, चैप्टर 4 का जो सेकंड चैप्टर है, जी हाँ, द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, इसका संपूर्ण ट्रांसलेशन हिंदी में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाम जान लीजिए, क्या है पोएम का नाम, द वॉइस ऑफ द रेन, और इसके जो राइटर है वो है वाल्ट विटमैन। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, पोएम का नाम और पोएट का नाम। सॉरी दोस्तों, मैं राइटर कह दिया है, राइटर नहीं, यहाँ पोएट होगा। पोएम का नाम द वॉइस ऑफ द रेन और पोएट का नाम वाल्ट विटमैन। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब कि वर्षा की बोली, और इसकी जो पोएट है वो है वाल्ट विटमैन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन एंड ट्रांसलेशन देख लीजिए। तो चलिए देख लीजिए, अच्छी पोएम दोस्तों, बहुत अच्छी पोएम है ये, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो कि एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद कुछ हैं डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, तो इनको भी आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, जिससे आप लोगों को इस लेसन में कहीं भी दिक्कत ना आए। और इसके बाद है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जो होता है ये पोएम का पूरा सारांश होता है, जिससे हमको पोएम अच्छी तरह समझ में आ जाती है, और इससे दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ें अच्छी तरह से। अब इसके बाद जो है वो है टेक्स्टुअल एक्सरसाइज, जिसमें कि है क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है, आप लोग देख पा रहे हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ये है, तो क्रमशः आप लोग देखते जाइए। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर है, 5 क्वेश्चन तक। इसके बाद कुछ अदर हैं, क्या लिखा है कि लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट्स फाउंड इन द पोएम। तो जो इसमें पूछ रहा है वो आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। तो इसका इनका आंसर भी यहाँ दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। और क्वेश्चन आंसर इसके मेन हैं, तो वो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो चलिए लेसन यहाँ समाप्त होता है, आई होप आप लोगों ने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।